Assalamualaikum and welcome to another vlog। भाई आज का vlog बहुत ही interesting है। मुझे यहाँ आए हुए 5 महीने हो गए हैं UK में, और 5 महीने से मैं सिर्फ पराठे और अंडे खा रहा हूँ, और यहाँ कभी कभी पीटर ब्रेड खाता हूँ, क्योंकि यहाँ फैमिली तो है नहीं तो खुद ही बनाना पड़ता है। पराठे इजी होते हैं, यहाँ मिल जाते हैं, आपने बस ऑयल लगा के उन्हें गर्म करना होता है। और आज मेरा मूड है टोस्ट खाने का, ये 5 महीने से मैंने टोस्ट खाए नहीं है, और टोस्ट मेरे बहुत फेवरेट है। मैं पाकिस्तान में जब था तो महीने में 30 दिनों में से 15 दिन तो मैं टोस्ट खाता था, लेकिन यहाँ तो 5 दिन से टोस्ट देखना भी नसीब नहीं हुआ। लेकिन आज मेरा इरादा पुख्ता है, आज कुछ भी हो जाए टोस्ट का नाश्ता किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी मज़ेदार वीडियो रोज़ अपनी डेली लाइफ के व्लॉग्स बनाता रहता हूँ। वो सामने मेरे टेस्को का स्टोर है, अंदर चलता हूँ और देखते हैं बैठ कितनी मिलती है। टोस्ट ना खाने की वजह ये भी थी कि पैसे बचाए जाएंगे, पता है हम पाकिस्तानी बंदे पैसे की बचत भी करनी होती है, तो पराठे मिल जाते हैं 4 पाउंड के 20 और वो हफ्ता निकाल देते हैं, इसलिए मैंने टोस्ट पे इतना जोर भी नहीं दिया। लेकिन पराठे खा खा के बस हो गई है, अब दिल ही नहीं करता पराठे खाने का। अरे यहाँ पर तो इतनी सारी ब्रेड्स है डिफरेंट टाइप की, ब्लू कौन सी, तो पूरी लाइन ब्रेड की समझ नहीं आ रहा, मुझे तो ये समझ में आ रही है सिंपल वाली जो हम पाकिस्तान में खाते हैं। ओ सॉरी तो भाई, ब्रेड ले लिए, अंडे घर में पड़े हैं, 1.5 पाउंड की ब्रेड पड़ी है, अब फटाफट जाके अंडे तोड़ते हैं और ब्रेड में डाल के टोस्ट बनाते हैं। तो ये रही हमारी ब्रेड, ये रहा हमारा नॉन स्टिक पैन, ले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देख रहे हो भाई के पास कितना सामान है, सब चीज़ें पड़ी हैं। ये दो अंडे गिर गया, इसको बंद करते हैं, और ये रहा ये रहा, उसके बाद चाहिए लाइटर, लाइटर बोलो तो ऑयल गर्म हो रहा है, अंडे मैंने तोड़ लिए हैं, कितने बैग का दिए थे कट्टा जीरो, चलो शुक्र है। वाह जी वाह करके ओहो, दिल कर रहा कच्चे ही खा लूँ, एक बार रेडी कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ कैसे बनूँ। धुआं बहुत हो गया, टोस्ट बना रहा हूँ, हालांकि एक दो भी चला रहे, 3 टोस्ट बन चुके हैं, चौथा भाई पान में है, 5वां बन जाएगा, हम 3 दोस्तों के पास चाय भी रख दी है, बस फटाफट तैयार हो जाए। तो भाई दस्तरखान छोटा सा लग चुका है, टोस्ट हमारे रेडी है, 5 टोस्ट बने हैं और बस चाय का इंतज़ार है, चाय रेडी हो जाए फिर फटाफट नाश्ता करते हैं। ये बहुत भूख लग गई टोस्ट को देख के ना, ये 5 महीने से पराठे या पीटर ब्रेड खा खा के ना बस हो गई थी, दिल भर गया था, अब दिल नहीं करता था खाने का, लेकिन आज तो भाई मैं फिर लौट लेंगे, हम टोस्ट रेडी हैं। परदेश में यही होता है यार, नाश्ता खाना खुद बनाना पड़ता है, चढ़ाई गिर गई हमारी बातों चढ़ाई गिर गई। तो भाई फाइनली हमारा नाश्ता रेडी है, बातों में चाय गिर गई थी तो फिर दोबारा सफाई करनी पड़ी है, काउंटर पड़ गया, तो चलो कोई नहीं ऐसा होता रहता है, हम नाश्ता करके
अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने ऐसा नाश्ता नसीब किया। तो व्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करें आप। एक किचन का कुछ हाल है, गंदा है, सुथरा है, जैसा भी है यही है।